सब लोग सुनो, ग्लास पीने के बाद यार डस्टबिन में डालना है इसको, ठीक है ना? कोई नीचे नहीं फेंकेगा ग्लास। नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? तो देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे, मैं जहाँ पे सरिया मोल्ड होती है यहाँ पे मैं आया हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे बनवाना है एक टेबल जैसा। तो टेबल क्या होगा, अभी जितने भी हमारे यहाँ साइड के लेबर है ना, तो उनको जो है मीठा पानी पिलाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो वही सर बोल रहे हैं कि थोड़ा वहाँ पे विशाल आप थोड़ा सा इंतज़ाम करवा दो, टेबल वगैरह बनवा दो। टेबल वहाँ से लाने में वो प्रॉब्लम है, तो मैं टेम्परेरी में यहाँ पे जो है सरिया का जो है टेबल बनवा के जो सेटरिंग वाला प्लेट होता है ना उसके ऊपर रखेंगे। ये पे देख सकते हैं टेबल वाला कुछ इस तरीके से 20 का सरिया है, उसको मोल्ड करके बना रहे हैं। चलो ताओ जी आ चले गए। तो देख सकते हैं इसी तरीके से दो बना दिया गया है वो सरिये का, और इसी जो है वहाँ पे टेबल बनाएंगे। ग्राइंडर नहीं है, ग्राइंडर में से कटवा देते हैं। दूसरा और नहीं था जो थोड़ा चमकीला वाला था, हार्ड वाला? हाँ ठीक है, प्लेट के ऊपर तो लग ही जाएगा। ताऊ जी ने कितना अच्छा से बना दिया, देखो पूरा प्लेट व्लेटे लगा के एकदम डाइनिंग टेबल एकदम बढ़िया से पन्नी वन्नी लगा के एकदम मस्त बना दिए। बोले शादी वादी पड़े मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिएगा। मिठाई की दुकान खोलनी, इधर ही आएगा, इसीलिए देख रहे हो इतना बढ़िया स्टेबल वेबल बनवाया जा रहा है। आ जाओ इधर, पकड़ लो थोड़ा सा, ये उठाओ थोड़ी सा और, थोड़ी सा और, बस बस। रख दो अपने आप आ जाएंगे सब पीने के लिए। अभी उसको ढक दो ढक दो ढक दो ढक दो, नहीं उसमें डस्ट गिर जाएगा। हाँ तो अभी तो आए, आने दो बंदे को पहले। इसमें क्या था, जिसको खोलो एक बार, इसमें क्या दिखाओ? अच्छा इसमें छोले हैं। सब लोग सुनो, ग्लास पीने के बाद यार डस्टबिन में डालना है इसको, ठीक है ना? कोई नीचे नहीं फेंकेगा ग्लास।